हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर लाइफ प्रोसेस में देखा कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो भी मूवमेंट हो रही हैं दैट वाज कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ मूवमेंट। लाइक प्लांट ग्रो कर रहा है, ह्यूमन बींग्स ग्रो कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं साइज में बड़े हो रहे हैं, वी सॉ दैट दिस इज अ साइन ऑफ लाइफ। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड हों। बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती। लाइक यू हैव सीन अ कैट रनिंग बिहाइंड अ रैट, ठीक है ना, या बिल्ली के पीछे आप देखोगे डॉग भाग रहा है, या वी आर रनिंग एट सम प्लेसेस, या हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू आर ग्रोथ, ठीक है, डायरेक्टली ग्रोथ से इनका कोई लेना देना नहीं है। सो वी कैन से हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, वन विच इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ और दूसरी वो जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, राइट। अ प्लांट हैज ग्रोन इनटू अ सैपलिंग। लेकिन जो नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर दिया, ठीक है, आपने हाथ को हटाया, दिस इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट। आपने प्लांट्स में देखा होगा छुई मुई का प्लांट, टच मी नॉट, आप उसे टच करते हो तो उसके लीव्स जो है डूब कर जाते हैं। हमारा चबाना, भागना, बोलना, ये सारी चीज़ें मूवमेंट्स हैं, लेकिन ये मूवमेंट्स डायरेक्टली आपकी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो ये मूवमेंट्स जो हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है फिर? सो यू कैन से दैट ऑल द मूवमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। और चेंजेस इन एनवायरमेंट, हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड है हमारी सारी मूवमेंट्स। दीज फैक्टर्स टू विच ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट are called stimuli. एक singular है तो stimuli कहोगे, plural है तो आप उसे stimulus कह दोगे। So I माने इकलौता और us माने हम सब, तो stimulus है तो plural होगा, एक single stimuli है तो singular में आप stimuli use करोगे, ठीक है। जैसे example देखो, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, if a child touch, if a child touches a hot vessel, so what happen? अगर हम किसी भी गर्म vessel को touch कर ले, so what will happen? The child will remove his hand or her hand immediately. ये भी तो एक मूवमेंट है, लेकिन ये मूवमेंट किससे रिलेटेड थी? एक स्टिमुलाई से। कौन सा स्टिमुलाई था? गर्म वेसल, एक ऐसी वेसल जिसको टच करने से मुझे बहुत ज़्यादा हीट लगी, ठीक है, और मैंने अपना हाथ पीछे हटा लिया। सो दिस इज़ द रिएक्शन टू अ स्टिमुलाई, एन एनवायरमेंटल फैक्टर। एक एनवायरमेंटल फैक्टर को मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज द मूवमेंट। एट द सेम टाइम देखो, अगर हम ये कहें व्हेन दैट अ चाइल्ड is attracted or comes to pick up a chocolate by extending his or her hand. ये क्या है?
अब उसे पता है कि यह नुकसान नहीं होगा, सो इट इज गोइंग टू यूज हिज और हर हैंड टू टेक दिस चॉकलेट. तो ये भी तो एक स्टिमुलाई है. बच्चे को हम टॉफी दिखाते हैं, बच्चा भाग के आता है, दिस इज अगेन अ स्टिमुलाई. सो यहाँ से हम ये कहते हैं टू एवरी स्टिमुलाई, टू एवरी स्टिमुलाई द एक्शन और यू कैन से द रिएक्शन, टू एवरी स्टिमुलाई द रिस्पॉन्स, एक्शन हो या रिएक्शन हो, टू एवरी स्टिमुलाई द रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट. करेक्ट. सो आप ये देखो, ये रहा आपका स्टिमुलाई. करेक्ट. इस स्टिमुलाई की वजह से, यानी कि इस एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, ठीक है, आई द चाइल्ड और एनी पर्सन विल आइदर मूव टूवर्ड्स इट और कैन मूव अवे फ्रॉम इट. दो ही चीजें होंगी. ऑब्जर्वर कर लेते हैं. ऑब्जर्वर विल आइदर मूव टूवर्ड्स स्टिमुलाई और इट विल मूव अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई. अब ये आगे आना है या पीछे जाना है, इसको कौन डिसाइड कर रहा है? देर हैज टू बी समथिंग. समथिंग इज गोइंग टू एनालाइज. समथिंग इज गोइंग टू एनालाइज. समथिंग डेफिनेटली इज गोइंग टू एनालाइज द कोर्स ऑफ एक्शन और एनालाइज द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलाई. करेक्ट. नाउ वॉट इज दिस समथिंग? समथिंग क्या है? दिस समथिंग इज नथिंग बट अ सिस्टम, अ सिस्टम दैट विल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. करेक्ट. ये समथिंग क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो कि कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए. और इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम को हम अलग अलग नाम देंगे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर. अब ये जो रिस्पांस इस सिस्टम की वजह से आएगा, हमने कहा कि या तो हम उसकी तरफ जाएंगे यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, या फिर हम उसे दूर जाएंगे नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा. ठीक है. वेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टिमुलाई इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव स्टिमुलाई, पॉजिटिव रिस्पॉन्स. एंड वी आर मूविंग अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, दिस इज नोन एज नेगेटिव रिस्पॉन्स. राइट. जैसे हमने देखा, अगर हम किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को, इफ शार्प ऑब्जेक्ट इज टच्ड और इज अराउंड, we move away from it. Similarly, if there is a beautiful flower around us, we move towards it. So this is a positive response. जब हम stimuli के पास जा रहे हैं तो positive, जब उससे दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव रिस्पॉन्स कहा जाता है. ठीक. इसी रिस्पॉन्स को हम और भी कई तरीके से समझते हैं. सबसे पहला समझो आप लाइक द कीमोटैक्सिस, और दूसरा क्या है आपके पास, ले लीजिए थर्मोटैक्सिस. ठीक. अब यहाँ सोच रहे होंगे टैक्सिस वर्ड क्या है. बच्चों, टैक्सिस वर्ड का मतलब है यहाँ पे मूवमेंट, मूवमेंट. ठीक है. टैक्सिस वर्ड का मतलब क्या है? मूवमेंट. थर्मो से मतलब क्या हो जाता है? हीट. जब हीट से रिलेटेड हो रही है कोई मूवमेंट तो थर्मोटैक्सिस. कीमो से आप समझ ही गए होंगे, केमिकल. जब कोई केमिकल रिलेटेड है मूवमेंट तो इट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस. लाइक थर्मो, थर्मो में देखिए आप, हॉट वेसल अगर आपके पास होगा, ठीक है, एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू टच इट,
आपको लगता है बहुत ज़्यादा गर्म है, देन यू विल शो नेगेटिव कीमो थर्मोटैक्सिस, ठीक है? और अगर ठंडी वेसल है तो आप आसानी से पकड़ लोगे, यू विल से पॉजिटिव थर्मोटैक्सिस। ऑब्वियसली डिपेंड्स द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि सर्दियों में गर्म वेसल पकड़ने का मन करेगा आपको, है ना? सो डेफिनेटली, लेकिन उसमें बहुत तेज़ गर्म नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है? सिमिलरली कीमोटैक्सिस में देखिए, अब इन केस ऑफ अमीबा अगर उसको फूड नज़र आता है, इट मूव टूवर्ड्स फूड। फूड क्या है मेरा? स्टिमुलाई। अमीबा को फूड दिखाई दिया, इट स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स इट। अमीबा को अगर ऑब्स्टेकल नज़र आई, तो अपने रास्ते में कोई बाधा नज़र आती है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम इट। सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव कीमोटैक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। आप समझ गए, फूड भी एक केमिकल है, इसीलिए उसको हम कीमोटैक्सिस में ले रहे हैं, करेक्ट? इसी तरह से हम बहुत सारे पढ़ सकते हैं, फोटोटैक्सिस, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म के बारे में बात करेंगे अभी हम। अच्छा, यूनिसेलुलर में तो ये काम बहुत सिंपल सा है, ठीक है? देखा, फूड की तरफ भाग गए, और अगर ऑब्स्टेकल आई तो काम खत्म हुआ, हम दूर चले गए। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इट इज नॉट सो सिंपल, सिंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स, सो दिस सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। इतना सिंपल नहीं होता है इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। ऑल ऑर्गन्स मस्ट वर्क इन ए सिस्टमैटिक एंड सिंक्रोनाइज्ड मैनर। टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। देखो ना, जैसे स्कूल के अंदर आपको पढ़ाना है, ठीक है? अगर पीएन अपनी मर्जी से घंटी बजा दे, ठीक है, टीचर की मर्जी है आज आना है स्कूल नहीं आना है, प्रिंसिपल उसको कुछ कहे नहीं, ठीक है, सो डू यू थिंक वो स्कूल चल पाएगा? ये आपकी मर्जी है, आज स्कूल में नहीं आने का मन है तो चलो भैया हम बाहर बैठ के कैंटीन में समोसे खा लेते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है, और टीचर अपना अंदर पढ़ा रही है, शी इज़ नॉट बॉदर्ड, इज़ इट गोइंग टू वर्कआउट? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल काम नहीं करेगा। सो एवरीबडी हैज़ टू वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे, कि आपको स्कूल जाना है एंड यू हैव टू सिट देयर इन द रूम, दिस इज अ सिस्टमैटिक मेथड। सिंक्रोनाइज मतलब आप स्कूल पहुंच रहे हो, एट द सेम टाइम टीचर को भी उसी टाइम आना है, यू ऑल शुड बी देयर इन द सेम क्लास एट द सेम टाइम, ऑल शुड बी प्रेजेंट एंड स्टडी द सेम सब्जेक्ट, दिस इज वॉट इज सिंक्रोनाइज मैनर। सो ऑल ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑल्सो वर्क इन अ सिस्टमैटिक एंड सिंक्रोनाइज मैनर टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और वेरियस स्टिमुलस। सो हम कोऑर्डिनेशन क्या कह सकते हैं? द वर्किंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुगेदर इन अ प्रॉपर मैनर, विच इज द सिस्टमैटिक मैनर, टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन, करेक्ट? इन कॉम्प्लेक्स और यू कैन से द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और द हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, आई मीन मैमल्स कह लो आप, दीज आर दी हायर एनिमल्स। इन दी हायर एनिमल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स फॉर प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमारे पास वो सिस्टम कौन सा है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं? वो सिस्टम बच्चों दो हैं। सबसे पहला कौन सा है आपका?
नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है आपका? एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो मेन सिस्टम है जिनके बारे में हम बात करेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन प्लांट्स के अंदर बच्चों सिर्फ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसके अंदर हम बहुत सारे हॉर्मोन्स पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के अंदर। यहाँ हम सिर्फ याद रखेंगे CAAGE, दैट इज केज। हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं उनका नाम बस याद देख लेते हैं। साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, एसिड, सो इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज नॉट द एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, गिबरलिंस एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे लेटर चैप्टर के अंदर, अभी नहीं करेंगे। अभी हम पहले पढ़ेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। अब देखो एनिमल्स में क्या हो रहा है। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। वो क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले देर इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, पक्की बात है। आसपास क्या बदलाव हुआ है पहले तो वो देखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, है ना, चेंज इन दी सराउंडिंग्स और दी एनवायरनमेंट। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? देर इज अ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटिंग दिस इंफॉर्मेशन ये कहाँ गया? टू हायर सेंटर्स, करेक्ट। हायर सेंटर्स में जाने के बाद क्या होगा? वहां पर देर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेल्स सिचुएटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। ये इंफॉर्मेशन यहां से उठाई और यहां पहुंचा दी, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पहला पार्ट होता है आपका सेंसरी, यानी कि सेंसेशंस जो लेता है, दिस इज अ सेंसरी पार्ट दैट इज गोइंग टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या है? ट्रांसमिशन पार्ट, कि इंफॉर्मेशन हमने वहाँ ऊपर पहुँचा दी, वहाँ पहुँचाई, एनालाइज हुई, एनालाइज होने के बाद एक आया, ऑर्डर आ गया कि आपको करना क्या है। दिस इज नोन एज मोटर पार्ट, यानी कि जो कि ऑर्डर लेके आएगा। मोटर ऑर्डर, मोटर ऑर्डर कुछ रिलेटेड लग रहा है, है ना। सेंसरी माने स्टिमुलस, स्टिमुलस को पिक कौन करता है? सेंसरी पार्ट। उसको ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन से तक या हायर सेंटर्स तक, वहाँ से फिर एक ऑर्डर आता है मोटर पार्ट, दैट इज द मोटर पार्ट ऑफ द कंडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स, करेक्ट। नाउ इन लोअर एनिमल्स, ओनली नर्वस सिस्टम इज वर्किंग। Not endocrine system. छोटे animals के अंदर endocrine system नहीं होता, लेकिन अगर आप इन higher animals की बात करोगे तो both nervous system and endocrine system work together in synchronization. Definitely it has to be synchronized work. ऐसा ना हो कि एक चला ईस्ट की तरफ, दूसरा चला वेस्ट की तरफ, हम तो अपना अपना काम कर रहे हैं। नो, दे हैव टू मूव इन द सेम डायरेक्शन ताकि डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो देखिए नर्वस सिस्टम क्या है, व्हाट इज दिस नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स दैट सर्व एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। नर्व्स जो है वो कुछ नहीं, हमारी तारें होती हैं बिजली की तरह, जिसके अंदर से इंफॉर्मेशन पास करती है।
एंड इट इज फास्ट बट लोकलाइज्ड इम्पैक्ट होता है, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया की नर्व ने ही इंफॉर्मेशन गैदर की है तो मैसेज भी उसी पर्टिकुलर मसल के लिए आना है. फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ होता है, यू वॉन्ट टू जस्ट मूव दिस फिंगर एंड नॉट दी अदर फिंगर्स, तो क्या होगा, यहाँ से सेंसेशन गई है टूवर्ड्स योर ब्रेन एंड देन ब्रेन इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एनालाइज करके वापस सिर्फ इस फिंगर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सो नाउ यू कैन रेज दिस फिंगर, सो दिस इज कॉल्ड एज लोकलाइज इफेक्ट. ठीक है, देन कम्स टू दी एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम से आप समझ गए होंगे हम लाइफ प्रोसेस में किया है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, वो ग्लैंड जो हॉर्मोन रिलीज करते हैं. करेक्ट, सो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच रिलीज हॉर्मोन्स, विच रिलीज केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हॉर्मोन्स. इट इज यूजली, क्योंकि ब्लड में से जाना है तो स्लो होता है, इट इज यूजली स्लो बट हैज डिफ्यूज इम्पैक्ट. एक हॉर्मोन सिर्फ एक जगह पे काम नहीं करता, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है. ठीक है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि नर्वस सिस्टम जो है ना वो शताब्दी की तरह है, उसे दिल्ली से चलना है ठीक है और अपने डेजिग्नेटेड एरिया में पहुंच जाना है, और बहुत कम जगह रुकती है. राइट, सही, कई बार तो रुकती नहीं, सीधी जाती है सीधी आती है, जस्ट लाइक अ प्लेन यू कैन से एज वेल. ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम कैसा है, एक लोकल बस की तरह या एक पैसेंजर ट्रेन की तरह है जो कई जगह पे रुकेगी और स्लो हो जाएगी. ऑब्वियसली इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बस का बार बार अलग अलग जगहों पे रुकती है. सो दिस इज व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम. देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है. सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नर्व, न्यूरॉन. तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. ये आप लोगों ने क्लास 9 में भी किया है, इट्स अ वेरी सिंपल सा स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये आपके बीच में सेल बॉडी हो जाएगी, न्यूक्लियस आ गया, साइटॉन बन गया एंड दिस इज योर एक्सॉन जिसके ऊपर यहाँ पे हम क्या है, माइलिन शीथ. एंड दीज आर दी नर्व एंडिंग्स. ठीक, एग्जॉन, नर्व एंडिंग्स, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, माइलिन शीथ, ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर न्यूरॉन. अब देखिए डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, इट्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसे हमें रिसीवर भी कह देते हैं. करेक्ट, एक्सॉन का काम क्या होता है, एक्सॉन इज गोइंग टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन. ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, सो एक्सॉन क्या है, एक ट्रांसमिशन सेंटर है, यानी कि कंडक्टर है. यहां से जो नर्व है, इंफॉर्मेशन है, वो यहां से यहां आगे पास ऑन होनी है सिर्फ. सो इट इज अ कंडक्शन, यू कैन से इट इज अ कंडक्टर. बस का कंडक्टर होता है ना, उसका कोई काम नहीं, वो कुछ नहीं लेके जाता, वो सिर्फ और सिर्फ टिकट्स काट रहा है. ठीक है, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, रिसीव किसने किया, गाड़ी ने रिसीव किया है. एक एंट्री डोर है, एक एग्जिट डोर है, बाकी बीच में आपकी बस आ गई है. ठीक, नाउ द नर्व एंडिंग्स क्या करते हैं बच्चों, नर्व एंडिंग्स का काम होता है इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इट ट्रांसमिट इम्पल्सिस, इट इज गोइंग टू गिव आउट द इम्पल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. To next neuron. This entire structure we can now label this as dendrite and cell body.
करेक्ट? ओके, नाउ लेट अस लुक एट हाउ द नर्व इम्पल्स इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड. सो सबसे पहले क्या हुई, इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन पहुँचने वाली है, ठीक है. डेंड्राइट के ऊपर भी छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं. सो इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर विच इज डेंड्राइट. करेक्ट? यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई डेंड्राइट से, इट इज गोइंग टू ट्रैवल टूवर्ड्स एक्सॉन. सो द केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड. इट इज जनरेटेड. इम्पल्स जनरेट होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि एग्जॉन में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है. डेंड्राइट जो है वो रिसीव करता है केमिकल को, और केमिकल को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है. सो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है किसी ना किसी रिसेप्टर के फॉर्म में, यानी केमिकल के फॉर्म में. वो रिएक्शन कम केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है. एंड दिस इम्पल्स इज जनरेटेड, दिस इम्पल्स इज जनरेटेड राइट एट द डेंड्राइट एंड passes towards cell body. So पहले डेंड्राइट पे इंफॉर्मेशन पहुंची इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल, वहां से सेल बॉडी के पास पहुंची जहां वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद एक्सॉन का काम क्या है, सिर्फ ट्रांसफर करना. उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है. इट इज द कंडक्टर. कंडक्टर करने के बाद इट रीचेज द नर्व एंडिंग्स. नर्व एंडिंग्स किसकी हैं, एक्सॉन की. सो वी कैन से एक्सॉन्स नर्व एंडिंग्स. जब एक्सॉन के पास, नर्व एंडिंग के पास पहुंची इंफॉर्मेशन, तो इसने क्या किया, नर्व एंडिंग ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ऑफ एक्सॉन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. उसे फिर से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और केमिकल एनर्जी जो है, दिस केमिकल कैन ईजिली क्रॉस द गैप बिटवीन द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स. दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स. सो केमिकल क्रॉस कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर ये इंसुलेटर शीट नहीं है. माइलिन शीट इज एन इंसुलेटर शीट. क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है तो इंसुलेशन तो चाहिए, ताकि वो कहीं बिखरे नहीं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाए. इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा सकती है. द मोमेंट ए नर्व एंडिंग से बाहर आती है, वहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती, और माइलिन शीट ना होने की वजह से हम उसे केमिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं. जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये अगेन नेक्स्ट डेंड्राइट उसे रिसीव करता है. नेक्स्ट डेंड्राइट उसे फिर से केमिकल की फॉर्म में रिसीव करता है, सेल बॉडी उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेती है. सो दिस इज कॉल्ड एज द नर्व इम्पल्स. इस तरह से कोई भी नर्व जो है वो कंडक्ट करती है आपकी इंफॉर्मेशन को. तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि नर्व्स और द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व्स और न्यूरॉन्स फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन और कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स. इस नर्व इम्पल्स को जो हमने ऊपर देखी है, इसे कंडक्ट करने के लिए नर्वस सिस्टम के पास नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, यानी कि बहुत सारे हैं. जस्ट लाइक योर मेट्रो इन दिल्ली, बहुत सारी रेल्स चलती हैं ताकि पैसेंजर को हम यहाँ से वहाँ पहुँचा सकें. सो फॉर कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. सो इसका मतलब ये हो गया कि सब चीज़ें जो है वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, इस नर्व सेल के ऊपर.
और नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं एक्चुअली में, न्यूरॉन. एंड वी नो दैट दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरॉन और द न्यूरॉन और द नर्व सेल. और इसके तीन पार्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं. वन इज द डेंड्राइट्स, जिसे हम लोग एक हो तो डेंड्रॉन भी बोल देते हैं. दूसरा क्या है आपके पास, एक्सॉन. तीसरा क्या आपके पास, सेल बॉडी. करेक्ट. इन तीनों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ लेना चाहिए. हमने बोल दिया था न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को. किसी जगह से भी आएगी, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट्स करते हैं. साइटोन क्या होता है, साइट सेल. और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, नर्व फाइबर्स रहते हैं, न्यूरो फाइबर्स. इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरो फाइबर्स. ठीक. उसके बाद देखो आप सेल बॉडी. जो सेल बॉडी है बच्चों, उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस था जिसे हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स न्यूरोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म ना कहके हमने उसको न्यूरोप्लाज्म कह दिया है. ठीक है. इसके अंदर बाकी सब चीज़ें होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गॉल्गी अपरेटस भी होगा. ठीक है. और इसके अलावा इसमें न्यूरोफाइबर्स भी रहते हैं, सब चीज़ें हैं. एट द सेम टाइम दिस कंटेन्स निजी ग्रैन्यूल्स. कई बार सिंपल एक क्वेश्चन आता है, वेयर आर निजीज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट. दीज आर द सिंपल ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी. नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जॉन के बारे में. एग्जॉन में बच्चों क्या है, एक तो सिंगल होता है, मल्टीपल तो होता नहीं. दूसरी चीज़ ये लंबे लंबे होते हैं. तीसरी चीज़ तो बोलोगे आप आइसो डायामेट्रिक होते हैं, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही जैसा डायामीटर आपको मिलेगा, या आप इसको कह सकते हो यूनिफॉर्म डायामीटर. ठीक है. ये अराइज कहाँ से करता है, अराइज फ्रॉम साइटोन. ठीक है. एंड देन इट हैज सर्टेन टर्मिनल ब्रांचेस जिन्हें हम लोग नर्व एंडिंग्स भी कह देते हैं, और ये टर्मिनल नर्व एंडिंग्स, टर्मिनल एंड टर्मिनल नर्व्स फाइबर्स. ठीक है. हम इसे नर्व एंडिंग के नाम से ज़्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू दी टर्मिनल आर्बोराइजेशन. एग्जॉन का जो टर्मिनल है बच्चों, ये वाला जो टर्मिनल पार्ट है, दिस टर्मिनल इज लाइक टर्मिनल आर नॉब, लाइक नॉब समझते हैं आप, लाइक दिस. हर टर्मिनल ऐसा होता है. ठीक है. एंड मे एंड इन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. यानी कि ये जो एग्जॉन की एंडिंग्स होती है ना बच्चों, ये हो सकता है कि किसी ना किसी मसल के साथ जुड़ी हुई हो, क्योंकि अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन किसने देनी है, इन नॉब्स ने देनी है, नर्व्स की इन एंडिंग्स में देनी है. या फिर हो सकता है ये किसी ग्लैंड्स के साथ जुड़े हो. ठीक है. या ये कोई फॉर्म करें साइनैप्स. साइनैप्स के बारे में भी हम बात करेंगे क्या होता है. साइनैप्स विद डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन. ठीक है. सो एग्जॉन जो है बच्चों, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. इसी सिंपल टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बार बार. एग्जॉन का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, नर्व एंडिंग्स का काम क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं. मजेदार बात यह है कि 3 मार्क्स का आता है. इट इज सो सिंपल. करेक्ट. एक चीज और देखते हैं हम लोग. लेट अस से वी हैव, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन न्यूरॉन. इसमें हम लोग एक आपके एग्जॉन की बात कर लेते हैं. ये एक एग्जॉन है मेरे पास. ठीक है. इस एग्जॉन के अंदर आप देखोगे ये जो पार्ट है, दिस इज नोन एज एक्सोप्लाज्म.
दिस गैप इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रणवीर, रणवीर नहीं रणवीर नहीं रणवीर, ठीक है। और इस एग्जॉन के बाहर जहां पर ये नोड है, बिल्कुल इसके बाहर आप देखोगे यहाँ एक सेल होता है विच इज कवर्ड बाय अनदर पार्ट ऑफ द कवर ऑफ द बॉडी। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज द श्वान न्यूक्लियस, और ये जो बॉडी है प्रॉपर इसे बोला गया है श्वान सेल। श्वान सेल्स ही हैं जो कि माइलिन शीथ को बनाते हैं। दिस फॉर्म्स माइलिन शीथ, यहीं को सिक्रीट करते हैं माइलिन शीथ को। कौन भला? श्वान सेल्स, ठीक है। इसको आप ऐसे मार्क कर लो, दिस श्वान सेल इज गोइंग टू फॉर्म दी माइलिन शीथ। और ऑब्वियसली इसके साइटोप्लाज्म को हमने क्या कह दिया, जब उसको श्वान न्यूक्लियस का है तो इसको हम क्या कह देंगे, श्वान साइटोप्लाज्म। सिंपल है, ओके। नाउ इसके बाहर ये जो लेयर हमने वाइड बनाई है एग्जॉन के बाहर की, दिस इज नोन एज न्यूरो लेमिना, न्यूरी लेमा माने के नर्व के बाहर की लेयर। और इसके बीच में जो ये एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज नोन एज माइलिन शीथ। और इस माइलिन को कौन रिलीज कर रहा है? श्वान सेल्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक। और ये रहा हमारा एक्सॉन। इस एक्सॉन के बाहर होती है माइलिन शीथ, और ये बीच में जो गैप है दिस इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रणवीर। इसी के अराउंड हमेशा आपको माइलिन शीथ मिलती है। इस एक्सोप्लाज्म के अंदर निजी ग्रैन्यूल्स नहीं होते, निजी ग्रैन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट, वो सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी में रहते हैं। ऑल्दो एक्सॉन सेल बॉडी के एक्सटेंशन है, लेकिन निजी ग्रैन्यूल्स आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे, राइट। लेकिन अब पॉइंट आता है कि निजी ग्रैन्यूल करते क्या हैं? एक्चुअली निजी ग्रैन्यूल जो आपकी सेल बॉडी के अंदर पड़ा है, दैट इज गोइंग टू हेल्प इन मेटाबॉलिक मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। ठीक। अब इसके अंदर जब एक्सोप्लाज्म में निजी ग्रैन्यूल नहीं है, तो डेफिनेटली एक बार लाइफ में जब न्यूरॉन बन गया, एक्सॉन बन गया, फिर वो रिपेयर नहीं हो पाता, ठीक है। वो उतना ही होता है, जितने डेवलप हो गए, उसके बाद दे आर नॉट गोइंग टू डेवलप मोर, ना ही उनकी रिपेयर हो पाती है। इसीलिए दिमाग जो है, अगर एक बार गया तो गया, ठीक है। एक्सॉन जो है बच्चों दो तरह का इसीलिए माना गया है, एक वो है जिसके अंदर माइलिन शीथ होती है, दीज आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और दूसरे होते हैं आपके नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक। मोस्टली ये आपको मिलेंगे इन ब्रेन, बाहर नहीं, बॉडी के बाहर नहीं मिलते, ब्रेन के बाहर आपको बॉडी के अंदर नहीं मिलते, सिर्फ ब्रेन के अंदर आपको नॉन माइलिनेटेड मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन के लिए इतना इशू नहीं होता, इट इज़ विद इन द ब्रेन। लेकिन अगर बॉडी के अंदर आ जाए, यानी मसल्स में जाना है, टिश्यूज़ के अंदर जाना है उसको, अनदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ में जाना है, देन फॉर कंडक्शन इट नीड्स एन इंसुलेशन, सो इट कंडक्ट्स इम्पल्स एफिशियंटली। यहाँ पर एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज एंड इट कंडक्ट कंटेन्स नोड ऑफ रणवीर। नोड ऑफ रणवीर के पास ही आपको हमेशा श्वान सेल मिलेंगे जो कि माइलिन शीट बनाते हैं। इसके अलावा जो आपके नर्व फाइबर्स हैं या आपके न्यूरॉन्स हैं बच्चों, वो कितने तरह के मिलते हैं हमें? ये हमें मिलते हैं थ्री टाइप्स के। पहले होते हैं आपके सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, देन यू हैव मोटर न्यूरॉन्स, एंड देन यू हैव रीले न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं दे हैव सम रिसेप्टर्स, यानी हम रिसेप्टर भी बोल देते हैं। मोटर को हम इफेक्टर बोलते हैं, यानी कि जिसकी वजह से ऑर्डर हमें मिलता है एंड वी डू सम एफर्ट, ठीक है, या कोई एक्शन दिखाते हैं करके। रिले जो होते हैं वो सिर्फ कनेक्ट करते हैं सेंसरी को मोटर के साथ। रिसेप्टर्स में आप देखो, इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम डेंड्राइट, तो सेंसरी हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? डेंड्राइट की तरफ मिलेगा, ठीक। मोटर जो है इट रिसीव्स
मैसेज फ्रॉम ब्रेन, ये हमेशा ब्रेन से मैसेज लेता है और बॉडी की तरफ जाता है, करेक्ट। एंड रिले दे आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिनकी हम डिटेल में आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सो रिले जो है आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, एंड इट कनेक्ट्स मोटर एंड सेंसरी नर्व्स। मोटर और सेंट्री न्यूरॉन्स को वो कनेक्ट करती है। रिसेप्टर क्या होता है बच्चों? रिसेप्टर होता है वो एरिया विच इज सेंसिटिव टू रिसीव एनी काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे रिसेप्टर है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे अगर हम हीट के केस में देखें तो दीज आर कॉल्ड एज थर्मो, थर्मो इज अ वर्ड यूज फॉर हीट, थर्मो रिसेप्टर, राइट। तो जरा बताइए लाइट के लिए क्या लिखोगे? यस, इट इज द फोटो रिसेप्टर। साउंड के लिए क्या लिखोगे? नहीं बता, फोनो रिसेप्टर, फोन है ना, फोन यूज करते होगे, नहीं। देन नंबर फोर, स्मेल के लिए क्या यूज करेंगे? ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। टेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम? गस्टेट्री, गस्टेट्री, गस्टेट्री रिसेप्टर कहाँ मिलता है? टंग में। ऑल्फैक्ट्री कहाँ मिलता है? नोज में। फोनो रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं? ईयर में। फोटो रिसेप्टर कहाँ मिलेगा? आईज में। और थर्मो रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं? कई जगह पे, लेकिन स्किन में स्पेसिफिकली मिलेगा आपको, करेक्ट। इसके अलावा देखिए, कोल्ड का अगर टेम्परेचर में कोल्ड है तो वो भी हमारा थर्मो में चला जाएगा, हीट और कोल्ड दोनों के लिए थर्मो रिसेप्टर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप सेवन में देखो, नंबर सेवन इज कॉल्ड एज, अगर मान लीजिए प्रेशर आ जाए तो प्रेशर के लिए होता है बैरो रिसेप्टर, ठीक है। बैरो रिसेप्टर भी आपको स्किन में मिलेंगे, ये भी आपको स्किन में मिलता है, करेक्ट। सो दीज आर द डिफरेंट रिसेप्टर्स, जो कि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा रिसेप्टर और कहाँ मिलता है, तो वन वन मार्क के कई क्वेश्चन बन जाते हैं, समटाइम्स 3 और 5 मार्क्स का भी आ जाता है। नेम द प्लेस जहाँ रिसेप्टर मिलेगा, या इस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए कौन सा रिसेप्टर है, ठीक है। ये रिसेप्टर इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ब्रेन में लेके जाते हैं, और ब्रेन से वापस एक मैसेज आता है मोटर नर्व सेल के थ्रू, या इफेक्टर नर्व सेल के थ्रू। और वो क्या होता है? इफेक्टर खुद क्या है? इफेक्टर इज अ मसल, ऑर्गन और अ ग्लैंड, या कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है जहाँ पर रिस्पॉन्स हमें चाहिए। मान लीजिए हीट का रिसेप्टर देखते हैं, आपने गर्म वेसल को टच किया, ब्रेन ने मैसेज लिया, यहाँ से नर्व इम्पल्स ने डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन गैदर की, इट गोज टू द ब्रेन, ब्रेन में पहुँचा, एनालाइज हुआ, ब्रेन से इफेक्टर नर्व फाइबर आया और ये इस इफेक्टर मसल के पास पहुंचा और आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द इफेक्टर पार्ट ऑफ द बॉडी। लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज साइनाप्स। देखो न्यूरॉन्स जो होते हैं बच्चों आपस में कैसे कनेक्टेड है? न्यूरॉन्स फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से, न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड फिजिकली, केमिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दिस गैप इज कॉल्ड साइनैप्स। इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स पे हो क्या रहा है? एट साइनैप्स एक्सॉन टर्मिनल्स विच इज नॉब लाइक फॉर्म प्री साइनेप्टिक नॉब। प्री साइनेप्टिक नॉब का मतलब क्या है? साइनैप्स से पहले वाली नॉब, साइनैप्स के बनने से पहले वाली नॉब इज इन एट साइनैप्स एक्सॉन टर्मिनल्स फॉर्म प्री साइनेप्टिक नॉब इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन क्यों यूज किया है? जब ये नॉब है तो ये इसके पास कोई ना कोई डिप्रेशन ही तो आएगा ना बच्चों, लाइक दिस।
अगर ये नॉब है प्री सैनेप्टिक नॉब है तो पोस्ट सैनेप्टिक डिप्रेशन ऐसा ही दिखाई देगा, बिकॉज दे हैव टू फॉर्म अ लॉक एंड की, यानी एक दूसरे में फिट होना है उन दोनों को. सो बिटवीन दीज टू, बिटवीन दीज टू नॉब एंड साइनैप्स एंड डिप्रेशन, बिटवीन दीज टू नॉब एंड डिप्रेशन, देखिए यहाँ एक खाली जगह पड़ी है, ठीक है. लाइज ए नैरो फ्लूइड फिल्ड, इस जगह में क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड स्लिप स्पेस कॉल्ड एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है. तो अगर हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट देखना चाहते हैं वो क्या है, तो आप कहोगे ये वाली जगह, दिस प्लेस इज नोन एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट, करेक्ट. तो जरा साइनैप्स बना के देखते हैं हम लोग, और क्लियर हो जाएगा. दिस इज द नॉब, इसको एनलार्ज कर लिया, दिस इज अ डिप्रेशन, करेक्ट. ये देखो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये आ रही है बिजली, करंट, करेक्ट. ये करंट जब आएगा बच्चों, तो यहाँ पे कुछ वेसिकल्स पड़े होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रहता है, करेक्ट. ये क्या है आपका, एग्जॉन. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज दी प्री साइनैप्टिक नॉब, करेक्ट. और यहां पर देखो आप छोटे छोटे वेसिकल्स पड़े हैं, दीज आर कॉल्ड एज साइनैप्टिक वेसल्स, ठीक है, ओके. और यहाँ देखोगे आप तो छोटे छोटे यहाँ कुछ रिसेप्टर्स हैं, मैंने कहा था डेंड्राइट में क्या होता है, रिसेप्टर रहते हैं. तो यहाँ भी हमारे पास छोटे छोटे से रिसेप्टर्स पड़े हैं इस डिप्रेशन के अंदर, और ये डिप्रेशन कौन सा डिप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनैप्टिक डिप्रेशन, करेक्ट. और ये जो बीच में एरिया है बच्चों, दिस एरिया इज नोन एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट, करेक्ट. और इस पूरे के पूरे जंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, दिस होल जंक्शन इज नोन एज साइनैप्स, ठीक है जी. प्री साइनैप्टिक नॉब, साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनैप्टिक डिप्रेशन टुगेदर इज कॉल्ड एज साइनैप्स. यहाँ तक क्लियर होगी बात, ओके. ये कौन क्या चीज़ें हैं, दीज आर कॉल्ड एज कीमोरिसेप्टर्स ऑफ नेक्स्ट ऑफ डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. यहाँ से आपका नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू हो गया, ये उसका डेंड्राइट पार्ट है, क्लियर हो गई बात. अब देखो हो क्या रहा है, हम इसको फटाफट से सिंपल सी कंडक्शन में देखते हैं क्या होगा. देखो स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस ने कहाँ जाना है, डेंड्राइट ने उसको रिसीव करना है, करेक्ट. डेंड्राइट से वो साइटॉन में जाएगा और केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. साइटॉन से वो एग्जॉन पहुँचेगा और एग्जॉन से वो कहाँ जाएगा, टर्मिनल्स में, यानी कि आपकी नॉब में पहुँच गया. नॉब से फिर क्या हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू साइनैप्स, करेक्ट. और साइनैप्स से क्या हो रहा है, अगेन इट इज गोइंग टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. दिस इज हाउ अ नर्व इज बीइंग कंडक्टेड, दिस इज द नर्व इंपल्स, ठीक है. जब ये सेकेंड न्यूरॉन में पहुंच रहा है तो उस समय पर क्या होगा, देखो यहां पे अब यहां आ जाते हैं. इस साइनैप्टिक वेसल का बहुत बड़ा रोल है यहां पे, ठीक है. साइनैप्टिक वेसल, वेसिकल जो है, इट्स वेसिकल, जिस साइनैप्टिक वेसिकल जो है बच्चों, ये रिलीज करता है केमिकल, ठीक है. और इस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि अब यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं आ सकती, गैप आ गया ना,
जब गैप आ जाता है तारों के अंदर तो नहीं क्रॉस कर सकती, लेकिन अगर बीच में पानी हो तो ये करंट पास कर जाता है आगे। जैसे हमें बिजली के कोई तार पानी में हो और हम भी उस पानी में खड़े हों तो हमें करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, क्योंकि पानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, आयन्स बन जाएंगे और वो आयन्स हमारी बॉडी में आते ही झटका बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, सिमिलरली साइनेप्टिक वेसिकल से केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल जो है वो कहाँ पहुँचता है, क्लेफ्ट के अंदर। ठीक है, और इस क्लेफ्ट में आते ही ये केमिकल जो है किससे कनेक्ट होगा, इन न्यूरो इन केमिकल रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट होता है। सो क्लेफ्ट के बाद इट अटैचेस टू कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स में आते ही अगेन वहाँ पे एक नर्व कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाती है। सो साइनैप्स क्या कर रहा है, इन वन वे और द अदर वे इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्स, बिकॉज साइनैप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि साइनैप्स हेल्प्स इन वन वे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, क्योंकि नॉब ने जो आपका वेसिकल रिलीज किया है, ठीक है, वो क्लेफ्ट में रिलीज किया, ये वेसिकल रिलीज होते ही इट इज रीचिंग टुवर्ड्स दीज रिसेप्टर्स। ये एक ही डायरेक्शन में उन्हें उल्टे थोड़ी चल पड़ेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी हैविंग अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। सो दिस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस क्लेफ्ट, और साइनैप्स जो है वो कंडक्शन को हेल्प करता है नर्व इम्पल्स के फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इन द सेम डायरेक्शन। सो कंडक्शन इन वन डायरेक्शन इज बिकॉज ऑफ द साइनैप्स। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड ह्यूमन ब्रेन की। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।